बलरामपुर जिले के वाटफर नगर विकास खंड में रुदाय विदारक घटना ने आम लोगों को झंझोर कर रख दिया, जिसमें कार की टक्कर से मृतक के शव को कंधे पर लेकर पैदल चलते हुए भूतपूर्व सैनिक पुलिस चौकी पहुंचा। बता दें कि शाम करीब 4 बजे भूतपूर्व सैनिक लालमन मरावी ने पैदल चल रहे एक युवक को पहले तो अपनी कार से जोरदार टक्कर मारी। मौके पर हुई युवक की मौत के बाद भूतपूर्व सैनिक युवक के शव को पैदल कंधे पर लादकर पुलिस चौकी में जाकर पटक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद लोगों ने 108 को बुलाया था। मौके पर पहुंचे 108 के कर्मियों ने जब मृतक को हॉस्पिटल ले जाना चाहा तो आरोपी ने उन्हें नहीं ले जाने दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लालमन सिंह मरावी भूतपूर्व सैनिक है। SBI स्टेट बैंक वाटफर नगर शाखा में गनमैन के पद पर कार्यरत था, लेकिन नशे की प्रवृत्ति के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। वही कार की टक्कर से मृतक की भी अभी पहचान नहीं की जा सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए वाटफर नगर सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। BCN न्यूज के लिए बलरामपुर छत्तीसगढ़ से विजय देशलहरे की रिपोर्ट।